हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इनी एंजल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है एनीथिंग अमेजिंग। तो कैसे हैं आप एंड योर फैमिली, प्लीज़ टेल इन द कमेंट्स। ये वीडियो देख के आप वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मैंने टिप्स बताई हैं जो आपकी वाकई बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपकी हेल्थ और स्किन के लिए। तो सच में ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना अच्छी जानकारी आपसे छूट जाएगी। सर्दियाँ आती है, सबसे पहले हमें स्किन की परवाह हो जाती है, क्योंकि वो इतनी फटने लग जाती है और काली पड़ने लग जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अब क्या करें, कैसे अपनी स्किन ठीक करें। बहुत सारी टिप्स देखते हैं, ट्रिक आजमाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कीजिए। आपके जो होंठ हैं, अगर वो फटना शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले उनका ख्याल रखिए। सर्दी में स्किन के मुताबिक लोशन के बजाय मॉइस्चराइजर क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने होठों पर भी हमेशा लिप बाम लगा कर रखें। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें, ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। क्योंकि सर्दियों में तो हमें प्यास लगती नहीं है, और प्यास नहीं लगती तो हम पानी भी नहीं पीते। लेकिन वो क्या होता है ना, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर असर दिखने लग जाता है और हम कमज़ोर भी हो जाते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सनस्क्रीन लगाना छोड़ देंगी। सर्दियों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में भी सूरज निकलता है भाई। ऐसा तो नहीं होता कि सर्दी में वो निकलता ही नहीं, और उसकी धूप भी पड़ती है फेस पर वो ये होता है कि हमें लगता नहीं है कि हमें धूप से कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर उससे प्रॉब्लम हो जाती है हमारी स्किन को। कभी कभी वो हानिकारक साबित हो जाती है, तो सर्दियों में भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में। हालांकि ठंड तो लगती है भाई, कौन ऐसा है जो ठंडे पानी से नहा ले, मैं तो नहीं मानती कोई होगा। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म पानी आप यूज़ करेंगे ना, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा ड्राईनेस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो जितना हो सके कम पानी यूज़ करें, ठंडा पानी नहीं, लेकिन ऐसा पानी भी यूज़ ना करें जो ज़्यादा बॉडी को आपको जला दे, ठीक है। बहुत कम पानी ऐसा यूज़ करें जो ज़्यादा गर्म ना हो, और दूसरी चीज़ ज़्यादा देर तक ना नहाए, क्योंकि कई लोग होते हैं बहुत देर तक सर्दियों में नहाते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राईनेस हो जाती है और उसमें रेशेज पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लास्ट टिप है, वो है आपकी फेवरेट है। सर्दियों का मौसम कहा जाता है कि खाने का मौसम होता है, तो इन दिनों खूब डटकर खाइए, लेकिन तला भुना ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे आपका फेट बढ़ जाए। अगर आप पतली हैं तो आप कुछ भी खाइए, बिना झिझक हवा में उड़ते हुए खाइए। लेकिन अगर आप मोटी हैं थोड़ी सी भी, तो आप अपनी केयर करते हुए खाइए। ऐसा नहीं कि बर्गर पिज्ज़ा खा रही है कि नहीं जी, एनी जी ने तो कहा था कि खाना है, खूब खाना है। खाने का मतलब होता है गर्म गर्म लड्डू खाइए, जो सर्दियों में बनाए जाते हैं, अजवाइन होती है, ऐसी चीज़ें खाएँ, क्योंकि ये चीज़ें खाने से हमारा खून बनेगा, और खून जब बनेगा तो हम एकदम अच्छे दिखने लगेंगे। क्योंकि अंदर से अगर आप खूबसूरत होंगे ना, अगर अंदर से आप स्ट्रांग होंगे, तो वो स्ट्रांगनेस आपके फेस पर दिखेगी, आपके हाथों पर दिखेगी, आपको पैरों पर दिखेगी। तो अंदर से जड़ को पकड़िए और फिर मजबूत बनिए। ओके, तो अपना ख्याल रखना, खूब खाना पीना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर। और जी, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। बाय बाय।